हाय एवरीवन, आई एम योगेंद्रा झा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़न पे इमेज अपलोड कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पहले इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आप वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड कैसे करेंगे। अब उसके बाद इमेज अपलोड करना होता है, तो आइए समझाते हैं कि इमेज अपलोड कैसे होगा। हाय गाइज, तो ये आप देख रहे हैं कि ये अमेज़न का सेलर सेंट्रल पेज है। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इन्वेंटरी के बाद आप मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो सबसे टॉप में है, ये जो लास्ट में सबसे लास्ट में आप कैटलॉग अपलोड करते हैं, ये ऊपर दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सबसे लास्ट में कैटलॉग अपलोड किया था, पर इस पे अभी इमेज अपलोड नहीं किया था। तो आप चाहें तो इस एरो पे क्लिक करके आप जो ये 12 दिख रहा है, इसका चाइल्ड एसकेयू है। ये 12 जो चाइल्ड एसकेयू है, हर एक चाइल्ड एसकेयू पे आपको एक एक करके आपको इमेज अपलोड करना है। मैं आपको एक किसी चाइल्ड एसकेयू का आपको अपलोड करके दिखाऊँगा, बाकी आप खुद से कर लेंगे क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे क्या कि आपका इस तरह से सारे चाइल्ड एसकेयू दिख रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि इस पे दो कलर था, यानी हमने जो कैटलॉग अपलोड किया था वो क्या था, वेरिएबल प्रोडक्ट था, तो दो कलर था। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार में एक ही कलर को सेलेक्ट करें। वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, वाई जो हमारा कलर का एस के यू है, Y-302-brown। ठीक है, हमें कलर चाहिए इसीलिए हमने ब्राउन तक ही टाइप किया और इसको हमने एंटर का बटन दबाया। अब देखेंगे क्या, अब आपको कलर ब्राउन कलर का ही चाइल्ड एस के यू आया है। जब हमें दूसरे कलर का चाहिए तो आप यहाँ पे 10 कलर था तो 10 लिख देंगे, 10 का आ जाएगा। तो ये ब्राउन कलर का आप देख रहेंगे कि Y-302-brown-37, इसको लेके हम चलते हैं और इसका इमेज अपलोड कर देते हैं। बाकी जितने भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप बारी बारी करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको आएगा, राइट साइड में एडिट का ऑप्शन आएगा। आप एक एक करके क्या करेंगे, इमेज अपलोड कर देंगे। याद रहेगा फ्रेंड, आपको हर एक चाइल्ड एसकेयू पे इमेज अपलोड करना है। मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारे आप खुद कर लेंगे। मैं अभी ब्राउन कलर का एक दिखा देता हूँ और एक 10 कलर का भी आपको करके दिखा दूंगा। अब ये ब्राउन कलर का एडिट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि इमेज पे आपको ये रेड कलर दिख रहा है। वाई, क्योंकि आपका इमेज अभी अपलोड नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मेन इमेज। जो मेन इमेज होता है वो डायगोनल या ऐप को अकॉर्डिंग टू द अमेज़न गाइडलाइन होनी चाहिए। तो चलते हैं, इस पर क्लिक किया। अब देखिए, अभी हम आपको एग्जांपल के लिए कोई भी कलर अभी हम ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको, अभी ये ब्राउन था लेकिन हम ब्लैक कलर आपको इमेज, क्योंकि ये 302 का ये इमेज है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप वही इमेज अपलोड करेंगे जो डिजाइन आपने कैटलॉग में, जो आपने पैरेंटल एसकेयू बनाया है, यानी जो डिजाइन, जिस डिजाइन का आप कैटलॉग आपने अपलोड किया है, उसी डिजाइन का इमेज आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ और भी आपको दिखा रहा हूँ। ब्राउन है लेकिन मैं आपको 10 कलर का करके दिखा रहा हूँ। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ब्राउन के जगह ब्राउन कलर जो आर्टिकल होगा आपका, आप उसी का इमेज अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर सेकंड नंबर में आपको याद रहे कि आप 6 to 7 इमेज अपलोड कर सकते हैं। हर एक एंगल का 6 to 7 एंगल हम अपलोड करने जा रहे हैं, और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, आधे घंटे के अंदर आपका जो ये कैटलॉग है ये एक्टिव हो जाएगा और amazon.in पेज पे आपको दिखने लगेगा। तो गाइज ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
और यहाँ पे सेव एंड फिनिश का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद एक डन का आएगा, डन क्लिक कर दिए, हो गया। अब मैंने आपको एक चाइल्ड एसकेयू का इमेज अपलोड करके दिखा दिया, बाकी आप इस कलर में जितने भी चाइल्ड एसकेयू आप खुद यहाँ एडिट पे जाके आप इमेज अपलोड कर लेंगे। अब मैं एक 10 कलर का आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने ब्राउन सर्च किया था, अब यहाँ पे 10 कलर को हम सर्च कर लेंगे। अब 10 कलर को सर्च करते ही फिर मैं आपको एक फर्स्ट नंबर पे 41 आ रहा है या 37 आ रहा है डोंट मैटर, आप कुछ भी कहीं से जहाँ स्टार्टिंग से आप वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इमेज अपलोड करना। तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक कर दिया, एडिट पे क्लिक करते ही फिर देखेंगे इमेज आपको रेड में दिख रहा है क्योंकि इमेज अपलोड नहीं हुआ है। तो मेन इमेज पे अभी हम देखिए इसी का 10 कलर ले लेते हैं, फिर सेकंड एंगल ले लिया, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिर फिफ्थ एंगल, एंड सिक्स्थ एंगल। देख लिया आपने, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे इमेज आपका अपलोड आ जाएगा ये आपका सेव एंड इमेज सेव एंड फिनिश का बटन आपको दिखने लगेगा। क्लिक कर दिए, डन पे क्लिक कर दिए, गाइज ये आपका अपलोड हो गया। और इस तरह से आप बारी बारी करके हर एक साइज का आप इमेज अपलोड कर देंगे और इमेज अपलोड करते ही आधे घंटे के बाद आपका लाइव हो जाएगा। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप amazon.in पेज पे डायरेक्ट चले जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अभी आधा घंटा लगेगा, उसके बाद ये आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।